हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ और घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी स्नेहा माँ के किचन में बनेगी टमाटर की एक बहुत ही मजेदार सी रेसिपी, जिसको आप ऐसे स्नैक्स भी यूज कर सकते हैं और बच्चों के लंच में भी रख सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी था उसमें भी आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी ने टमाटर को सब्जी में डाल के तो जरूर बनाया और टमाटर की चटनी सॉस जरूर बनाई है, बट आज हम जो बनाने वाले हैं बहुत ही यूनिक होने वाला है। तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए कर लेते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। तो जिसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पे लेने हैं फ्रेश फ्रेश लाल लाल टमाटर। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि जो आपको टमाटर लेना है वो ज्यादा पके हुए टमाटर नहीं लेने हैं। मतलब देखने में तो इस तरीके से लाल लाल होने चाहिए, बट वो अंदर से टाइट होने चाहिए, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, तभी आपकी ये रेसिपी अच्छी बनने वाली है। तो यहाँ पे मैंने करीबन 1 किलो टमाटर लिया और टमाटर को अच्छे से मैंने धुल लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो, और बढ़िया से टाइट टाइट टमाटर यहाँ पर मैंने लिए हैं। और ज्यादा बड़े साइज का भी आपको टमाटर यूज नहीं करना है इस रेसिपी के लिए, थोड़ा मीडियम साइज का ही टमाटर हमें यहाँ पे यूज करना है। और इस टाइम पे मार्केट में जो टमाटर है वो भी काफी सस्ते रेट पे मिल रहे थे, क्यों ना ये मजेदार सी रेसिपी बना के तैयार की जाए। तो चलिए, टमाटर हमारे यहाँ पे रेडी। अब ले लेते हैं एक चाकू, और चाकू की हेल्प से पहले अच्छे से इस तरीके से ऊपर का इसका सिरा हम निकाल देंगे। हल्का हल्का ही हमें निकालना है, बहुत ज्यादा नहीं निकालना है। तो सभी टमाटरों पे से पहले मैं इस तरीके से कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो सारे टमाटर हमने इस तरीके से ऊपर से इनका सिरा हटा लिया इस तरीके से, तो यहाँ पे सारे टमाटर हमारे रेडी। और अगर आपको लगता है कोई टमाटर खराब है तो आप उसको हटा भी सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर का सिरा देखिए, मैंने बहुत ज्यादा नहीं निकाला है। तो यहाँ पे ये रेडी हमारे टमाटर। अब ले लेंगे एक चाकू, या फिर जिससे हम आलू छीलते हैं वो भी आप यूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे यही यूज करने वाली हूँ। तो आपके पास अगर ये ना हो तो आप नॉर्मल चाकू का भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल आप उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चाकू छीलने वाले पिलर का यूज करने वाली हूँ टमाटरों के लिए। तो इस तरीके से ले लेंगे हम एक टमाटर, और इस तरीके से सेंटर में घुसाते हुए देखिए इस तरीके से, और थोड़ा सा अंदर प्रेस करेंगे इस तरीके से, हल्के हाथों से इस तरीके से घुमाते जाएंगे, और जो इसका सेंटर का पार्ट होगा इस तरीके से घुसाते हुए, धीरे धीरे हम घुसाते हुए इसको अंदर करते हुए इस तरीके से ऊपर निकाल लेंगे, जिससे कि इसका अंदर का सारा पार्ट होगा इस तरीके से बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हमने निकाल लिया है। इसी तरीके से जितना भी इसके अंदर का जो पार्ट होगा, इनके जो पल्प होगा, वो हमें निकाल लेना है धीरे धीरे करके। यहाँ पे इस देखिए, पहले हम सेंटर का निकाल लेंगे, उसका जितना भी पल्प होगा उसका हम इस तरीके से निकाल लेंगे। और हमें इस टमाटर के पल्प को फेंकना नहीं है, दूसरे बाउल में इस तरीके से हम निकालते जाएंगे पल्प को। तो यहाँ पे हमें अच्छे से टमाटर को जो इस तरीके से खाली कर लेना है, बाद में देखिए इस तरीके से स्पून से भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया से ये टमाटर हमारा पूरी तरीके से खाली हो चुका है। तो इसी तरीके से हम बाकी टमाटरों को भी अच्छे से खाली कर लेंगे, यानी कि जितना भी इसमें पल्प होगा उसको हमें इस तरीके से स्पून की हेल्प से और पिलर की हेल्प से अच्छे से निकाल लेना। और इसके पल्प को हम साइड में निकालते जाएंगे इस तरीके से। और दोस्तों, इस पल्प को हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं, जो हम इसके अंदर से निकाल रहे हैं इसका भी हम एक बहुत अच्छा सा यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे बढ़िया से सारी टमाटर हमने खाली कर लिया, यानी कि अच्छे से इनको इस तरीके से क्लीन कर लिया अंदर से, और बढ़िया से यहाँ पे हमारे जो टमाटर है वो रेडी हो चुके हैं इस तरीके से। और दोस्तों, टमाटरों में से जो ये पल्प निकला हुआ, आप चाहें तो इसका सब्जी में भी यूज कर सकते हैं। आप इसको उठा के फ्रिज में रख दीजिए, और जब भी आपको सब्जी बनाने तो आप सब्जी में इसका यूज कर सकते हैं। बट इसका एक हम बहुत अच्छा सा यूज करने वाले, तो हम आगे करेंगे, जब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो रखते हैं गैस पर एक पैन, और इसमें हम डाल देंगे एक बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे एक छोटी चम्मच जीरा, और साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके इस तरीके से। और दोनों चीज़ों को अच्छे से 1 से 2 सेकंड के लिए भून लेंगे लो फ्लेम पर। जब दोनों चीज़ें अच्छे से भून जाएंगी, तो यहाँ पर हम लेंगे 1 कटोरी फ्रेश मटर, और फिर यहाँ पर हम डाल देंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और दोनों चीज़ों को अच्छे से फिर से भून लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिए 4 मीडियम साइज के आलू, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था पहले ही, और आलू को इस तरीके से मैश करके डाल देंगे और 1 से 2 सेकंड भूनेंगे। पहले इस तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे फिर डालेंगे कुछ ड्राई मसाले। यहाँ पे हमने डाल दिया 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। सभी चीज़ों को फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास रखे हुए थे कुछ पनीर के क्यूब्स, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और पनीर के क्यूब्स डालेंगे, फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम डाल देंगे इसमें खूब सारा हरा धनिया, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, और हरा धनिया डालेंगे, फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे बढ़िया सा हमारा चटपटा सा ये आलू का मसाला जो रेडी हो चुका है इस तरीके से। अब इस मसाले को हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हम अपनी आगे की तैयारियाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बाउल ले लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कप बेसन का। तो यहाँ पे मैं 1 किलो टमाटर का यूज़ कर रही हूँ, उसके हिसाब से मैंने 1 बड़ा कप बेसन लिया। आप जितने टमाटर यूज़ करें आप उसके हिसाब से बेसन ले सकते हैं। तो बेसन को हमने डाल दिया बाउल में, उसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, साथ में हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरीके से अच्छा सा एक घोल बना के तैयार कर लेंगे। तो
तो पानी का इस्तेमाल आप एक बार में ना करें, थोड़ा थोड़ा ही करके डालें, जिससे कि बेसन जो हमारा गीला ना हो जाए। इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके ही डाल रही हूँ, जितना मुझे लगेगा उतना ही मैं पानी यूज़ करने वाली हूँ इसमें। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मैंने 3 बार में इसमें पानी का यूज़ करा और यहाँ पे बढ़िया से हमारा ये बैटर बन के रेडी हो चुका है इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो बैटर इस तरीके से दूसरे बाउल में निकाल लेना है, तो इसका हमें क्या यूज़ करना है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अब जो बाकी का हमारा बैटर बचा हुआ था, इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच सरसों का तेल, और तेल डालकर फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे बढ़िया सा बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम कवर कर देंगे, तब तक हम बाकी की तैयारियाँ करते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया से जो हमारे टमाटर है वो भी रेडी है, जो हमने इसकी स्टफिंग बनाई थी यानी कि जो आलू का जो मसाला बनाया था वो भी रेडी है। अब इस तरीके से आलू का मसाला लेते हुए इसमें अच्छे से फिल कर देंगे, और अच्छे से इसको हमें फिल कर देना। ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा मसाला होगा उसको हम हटाते जाएंगे, बिल्कुल इवन हमें इसको कर लेना है, बिल्कुल भी ज़्यादा हमें मसाला नहीं लगाना है इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, जितना भी एक्स्ट्रा था वो मैंने इस तरीके से निकाल दिया, तो बाकी के भी टमाटर हम इसी तरीके से फिल कर लेंगे सारे। और एक बात और दोस्तों, कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, बिल्कुल स्किप ना किया करें। और अगर आपको वीडियोस में कुछ कमी लगती है तो वो भी आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सारे टमाटर जो थे हमने अच्छे से भर के तैयार कर लिए हैं, और देखने में भी कितने अच्छे लग रहे थे। तो टमाटर हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब दोस्तों, जो हमने बैटर अलग निकाल के रखा हुआ था गाढ़ा वाला, उसी बैटर में से थोड़ा सा बैटर हम इन टमाटर के ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। और ये वाला स्टेप करना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो टमाटर की स्किन होती है बहुत ही स्मूथ होती है, तो डायरेक्ट अगर हम इसको बेसन में डालेंगे तो बिल्कुल भी बेसन इनके ऊपर टिकने वाला नहीं, और इस तरीके से एक लेयर इनके ऊपर आ जाएगी और अच्छे से जो बेसन है वो ड्राई हो जाएगा। जब बाद में हम इनको बेसन में कोट करेंगे तो बहुत ही अच्छी से इनके ऊपर एक कोटिंग आ जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे जो टमाटर है मैंने एक फ्लैट बर्तन यानी कि पैन में रखे हैं, तो आप भी इसी तरीके से किसी पैन का यूज़ करें, क्योंकि अगर आप किसी बाउल का यूज़ करेंगे तो उससे जब भी हम बेसन इन टमाटरों पे लगाएंगे इस तरीके से, तो जो बेसन होगा वो नीचे बाउल में रह जाएगा और अच्छे से टमाटरों पे नहीं लगेगा। तो यही रीज़न है यहाँ पे हमने इस तरीके से एक फ्लैट पैन का यूज़ किया है। तो टमाटरों को छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, जिससे कि अच्छे से जो उनके ऊपर बेसन लगाया वो सूख जाएगा। जब तक यहाँ पे जो हमने पल्प रखा होता उसको हम डालेंगे एक मिक्सी जार में, साथ में हम डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, और यहाँ पे मैंने फ्रेश धनिया धुल के रखा हो तो धनिया भी हम डाल देंगे। साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और फिर हम लगा देंगे इसकी लिड और बढ़िया सी डिप यानी कि अच्छी सी इसकी चटनी बना के तैयार कर लेंगे। तो है ना दोस्तों, कितना यूनिक तरीका, देखिए यहाँ पे हमारा जो पल्प था वो भी वेस्ट नहीं हुआ, और बढ़िया सी यहाँ पे हमारी ये चटनी बन के तैयार हो चुकी है। तो आप इस चटनी को रोटी, समोसा, चाट किसी के साथ भी इंजॉय करिए, सभी के साथ बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो चटनी को निकाल लेते हैं हम एक बाउल में इस तरीके से, और बढ़िया सी चटनी हमारी रेडी हो चुकी है इस तरीके से। तो आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब होने वाली नहीं है। अब चलते हैं आगे। तो अब जो हमने बेसन रखा हुआ था फेट के कवर करके 10 मिनट के लिए, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर बढ़िया से बैटर हमारा रेडी हो चुका है। और दोस्तों, फिर जो हमने टमाटर रखे हुए थे बेसन में थोड़ा सा कोट करके, वो देखिए अच्छे से इनके ऊपर कोटिंग आ चुकी है और अच्छे से ये ड्राई भी हो चुके हैं। केवल 10 मिनट के लिए हमने इनको छोड़ा था और बहुत ही अच्छे से इनके ऊपर एक लेयर आ चुकी है। तो ये लेयर इनके ऊपर बहुत ही ज़रूरी है, इससे जो आपका नाश्ता बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। यहाँ पर बढ़िया से हमारे ये टमाटर भी रेडी हो चुके हैं। अब जो हमने बैटर तैयार किया है वो बैटर हम ले लेते हैं, और एक एक टमाटर को उठाएंगे और इस तरीके से बेसन के बैटर में हम डिप करते जाएंगे, और स्पून की हेल्प से या फिर हाथ की हेल्प से जैसे भी आपको अच्छा लगे आप इसको इस तरीके से कोट कर लीजिए। और इस तरीके से हम उठा लेंगे, और जितना भी एक्स्ट्रा बेसन होगा उसको हम इस तरीके से निकालते जाएंगे, जिससे कि इनके ऊपर अच्छे से कोटिंग आ जाए बेसन की। और ऑयल हमने रख दिया गैस पे गर्म होने पहले ही, तो ऑयल यहाँ पे बहुत अच्छे से हमारा गर्म होना चाहिए, और जो हमने ऑयल रखा हुआ है कढ़ाई में वो भी हमें बहुत ज़्यादा रखना है, जिससे कि टमाटर अच्छे से इसमें डिप हो जाए। और यहाँ पर टमाटर डालने के साथ साथ हमें इस तरीके से लगातार एक कलछी से या फिर स्पून से इस तरीके से ऑयल इनके ऊपर डालते जाना, या फिर आपके घर में कोई और फैमिली मेम्बर हो आप उनको भी बोल सकते हैं इस तरीके से चलाने के लिए। और ये देखिए 5 से 7 मिनट में ही लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से हमारे फ्राई होते जाएंगे, और जब ये इस तरीके से फ्राई होते जाएँ तो आप इनको इस तरीके से निकालते जाएँ, और बढ़िया से एकदम खस्ता क्रिस्पी ये बनके तैयार होते जाएंगे इस तरीके से। बस आपको यहाँ पे यही ध्यान देना कि जो हमने कढ़ाई में ऑयल डाला तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, जिससे कि अच्छे से टमाटर डिप हो जाए। तो यहाँ पे सारे फ्राई हो चुके हैं, तो चलिए अब हम कर लेते हैं इनको सर्व इस तरीके से। साथ में जो हमने डिप बनाई थी यानी कि जो चटनी बनाई थी वो भी हमने सर्व कर ली है, और यहाँ पे बढ़िया से एक स्नैक्स हमारा बनके तैयार हो चुका है। आप बच्चों को अगर लंच में देते हैं तब भी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने घर पे समोसा, ब्रेड पकौड़े या फिर पकौड़ियाँ तो ज़रूर बनाई होंगी, बट एक बार ये टमाटर का यूनिक टाइप का नाश्ता बना के ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा।
तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक पीस कट करके भी दिखा देती थी, अंदर से इनकी जो लेयर है कितनी अच्छी बन के आई। तो यहाँ पे आप चाहे तो चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है चाट मसाला भी इसमें। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ। और यहाँ पे दोस्तों आप इसकी लेयर देख सकते हैं, जो हमने इसमें फिलिंग भरी थी और ऊपर से टमाटर की लेयर और फिर जो बेसन की लेयर साफ नजर आ रही है, तीनों ही लेयर। तो बहुत ही यूनिक टाइप का नाश्ता और सभी को आपके घर में पसंद भी आने वाला है। तो यहाँ पे आप इंजॉय करिए चाय के साथ, चटनी के साथ, किसी के साथ भी। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों बगल में लगे हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको साथ क्या न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।